प्यारे बच्चों, जिस तरह कोडरमा जिला प्रशासन ने विभिन्न विषय का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया था, उसी तरह दुमका जिला प्रशासन ने भी बच्चों के सहूलियत के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह तैयार किया है और उसको जीरोक्स कराकर बहुत सारे बच्चों को वितरित किया है। हमको भी पूरा दुमका जिला में इकोनॉमिक्स का एक साथ सभी बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिला था, लेकिन समय कम रहने के कारण मैं वहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं कर पाया। उनके द्वारा जो बांटा गया अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, उसी को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिफाइन करता हूँ। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे बच्चों, विद्यालय में काम चल रहा है जिसके कारण आपको इसमें शोर सुनाई दे सकता है, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिए। परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसीलिए मैं इस समय को निकालते हुए अभी थोड़ा फुर्सत मिला है तो आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दुमका जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया है आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दिया है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि मार्शल जो है वो कल्याण संबंधी परिभाषा दी है, मतलब भौतिक कल्याण का अर्थशास्त्र माने हैं। पीगू जो है वो कल्याण संबंधी परिभाषा दिए हैं। रॉबिन जो है आपका वो आपका दुर्लभता संबंधी परिभाषा दिए हैं। तो यहाँ पहला का हो जाएगा सी, दुर्लभ रॉबिन्स। दूसरा क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो जहाँ पर कीमत तंत्र आ जाएगा वहाँ जान जाइएगा पूंजीवादी, या फिर यदि बाजार शक्ति भी अगर लिखा रहेगा तो जान जाइएगा वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा का आपका हो जाएगा बी। तीसरा है, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को हम लोग उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरा का हो जाएगा डी। चौथा है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो गोसेन ने दिया था, इसको हम लोग गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। किसके अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है? तो मुद्रा में जो मापने का काम जो बताया था वो मार्शल ने बताया था कि उपयोगिता को हम लोग क्या कर सकते हैं, मुद्रा में माप सकते हैं। तो पांचवा का आपका हो जाएगा ए। छठा है, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती है। तो पूर्ण तृप्ति जब होगी वहाँ पर सीमांत उपयोगिता, देखिए ये है आपका कुल उपयोगिता, यहाँ मान लीजिए जहाँ मैक्सिमम होता है कुल उपयोगिता वहाँ पर आपका सीमांत उपयोगिता क्या होता है, अच को काटता है, मतलब यहाँ पर सीमांत उपयोगिता आपका शून्य हो जाता है। इसलिए छठा का हो जाएगा आपका सी कि पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती है शून्य। सातवां नंबर क्वेश्चन है, तटस्था वक्र का झुकाव होता है। तो तटस्था वक्र होता है आपका इस तरह होता है, इस तरह, तो इसका झुकाव क्या होता है, तो बाएं से दाएं होता है। तो यहाँ पर सातवां का हो जाएगा आपका बी। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता का मान होता है। अभी जस्ट फिगर से बताए थे कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, यहाँ पर अच को काटती है तो ये हो जाता है आपका शून्य हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ आठवां का हो जाएगा ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौवां नंबर क्वेश्चन है, समानता एक मांग वक्र की ढाल होती है। तो जो समानता मांग वक्र होता है वो किस तरह का होता है, इस तरह का। तो इसकी ढाल क्या है, ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है, मतलब ये नीचे की ओर गिर रही है, इसका मतलब ऋणात्मक है। तो नौवां का आपका हो जाएगा बी, ऋणात्मक। दसवां है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1936 में इस किताब को जे एम केन्स ने लिखा था। तो दसवां का हो जाएगा सी, कब लिखा था किताब, 1936 में। तो यहाँ हो जाएगा दसवां का सी, जे एम केन्स। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कॉफ़ी और चाय जो है वो प्रतिस्थापक वस्तु है, अगर एक का मूल्य बढ़ेगा तो दूसरा का मांग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 11 का आपका हो जाएगा ए, बढ़ती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? तो वो जो है घटिया वस्तु या गिफिन वस्तु की मांग को क्या करता है, आय बढ़ने पर उपभोक्ता
उस उन वस्तुओं की मांग को घटा देता है। तो 12 का हो जाएगा आपका सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। तो आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? शून्य होती है, मतलब बेलोच होती है। जैसे इसमें मूल्य अगर बढ़े चाहे घटे, मूल्य जैसे ओपी है तो मांग मेरा ओएम ही रहेगा। मूल्य बढ़कर ओपी से ओपी वन, मतलब इतना मूल्य अगर बढ़ जाता है तो भी मांग उतना ही। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? बेलोच कहलाता है, मतलब उसमें मांग की लोच क्या होती है? शून्य होती है, ई बराबर जीरो। अति परवलयकार मांग वर्ग की लोच होती है। तो जो अति परवलयकार मांग वक्र की लोच जो होती है आपका इकाई। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो इकाई से अधिक, इकाई से कम, अनंत, शून्य। तो यहाँ पर जो है आपका, ये आपका अनंत को ई कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, मतलब ई बराबर यहाँ इन्फिनिटिव होगा, मतलब मांग की लोच अनंत। वह कौन सा काल है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो काल जो है, यह समय को दो भाग में बांटा गया, अल्पकाल और दीर्घकाल। जो अल्पकाल है वह समय की कम अवधि होता है जिसमें हम केवल परिवर्तनशील साधनों को ही परिवर्तित कर सकते हैं, और जो दीर्घकाल होता है उसमें सभी साधन को हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो यहाँ पर है उत्पादन के सभी साधन में परिवर्तन किस में होगा? दीर्घकाल में होगा। तो 16 का हो जाएगा आपका बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो उत्पादन फलन को जो व्यक्त करता है वो आपका हो जाएगा बी, क्यू एक्स बराबर फंक्शन ऑफ ए बी सी डी। यहाँ क्यू एक्स जो है वो उत्पादन को बता रहा है, एफ जो है वो फलन को बता रहा है, और ए बी सी डी जो है वो साधन को बता रहा है। और ये पूरा समीकरण बताता है कि उत्पादन निर्भर करता है किस पे? साधन पे निर्भर करता है। तो यहाँ 17 का आपका बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, औसत लागत वक्र होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं औसत लागत वक्र क्या होता है? यू आकार का होता है। तो 18 का आपका हो जाएगा ए, यू आकार। 19 है, जब औसत लागत घट रही हो तब सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में किस प्रकार होती है? तो ये जो होती है आपका सीमांत लागत जो होता है औसत लागत से कम होती है। जब औसत लागत घट रही हो तब सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में क्या होगी? तो कम होगी। यहाँ तो सी हो जाएगा आपका, एम सी लेस देन ए सी। किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है? तो आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है। ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का है चित्र जिसमें ए आर बराबर एम आर होता है। तो 20 का हो जाएगा बी, पूर्ण प्रतियोगिता। 21 है, एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के संतुलन के लिए निम्न में कौन सा सही है? तो यहाँ जो सही है वो है एम आर बराबर एम सी। ये संतुलन का पहला शर्त है जिसको हम लोग आवश्यक शर्त कहते हैं, एम आर बराबर एम सी। और दूसरा शर्त है एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। जहाँ दोनों शर्त पूरा होता है वहीं पर फर्म संतुलन में होता है। तो यहाँ पर 21 नंबर जो कहा है उसका आपका ए हो जाएगा, एम आर बराबर एम सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, एम आर को प्रदर्शित किया जाता है। तो एम आर दो तरह से प्रदर्शित होता है। एम आर बराबर होता है TRN - TRN-1 इस तरह, और दूसरा है एम आर बराबर होता है डेल्टा टी आर बट्टा डेल्टा क्यू। तो यहाँ पर आपका देख रहे हैं 22 का जो ए ऑप्शन है वो डेल्टा टी आर बट्टा डेल्टा क्यू है, तो ये सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, ए पी सी प्लस ए पी एस बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर ए पी सी और ए पी एस बराबर 1 होता है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। और यदि रहता एम पी सी प्लस एम पी एस क्या होता है, तो इसका भी 1 होता है। ए पी सी मतलब हो गया औसत उपभोग प्रवृत्ति, और ए पी एस हो गया औसत बचत प्रवृत्ति। भारत में बैंकिंग सुधार कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 1991 में। तो 24 का आपका हो जाएगा सी। किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो ये जो है एकाधिकृत प्रतियोगिता में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। द्वैधाधिकार में विक्रेताओं की संख्या होती है। तो द्वैधाधिकार जो है उसमें विक्रेताओं की संख्या 1 होती है।
किस बाज़ार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होता है? तो आपका कीमत जो स्वीकारक होता है वो होता है आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में, क्योंकि जो फर्मों द्वारा निर्धारित होता है वही आपको सॉरी जो उद्योग द्वारा निर्धारित होता है वही फर्मों को मानना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है, इसलिए यहाँ 27 का सी हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का मांग वक्र होता है, तो इसका जो मांग वक्र होता है आपका वो होता है पूर्णता लोचदार, मतलब इस तरह, इसको हम लोग पूर्णता लोचदार कहेंगे, तो हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। 29 है, किसने कीमत निर्धारण में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? तो समय तत्व का जो विचार प्रस्तुत किया था वो मार्शल ने किया था, तो 29 का आपका सी हो जाएगा। 30 है, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ पर, तो जहाँ पर मांग आपूर्ति क्या होती है आपस में बराबर होती है। कहे कि आप लोग देख सकते हैं ये मांग का रेखा, ये पूर्ति का रेखा, जहाँ दोनों मिल जाएगा वहीं पर मूल्य निर्धारित होगा और यहाँ पर मात्रा आपका निर्धारित होगा, तो आपका सी ऑप्शन आपका सही है। MPS प्लस MPC बराबर, अभी जस्ट बताए थे यहाँ 1 हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन सही है। कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो केंद्रीय बैंक क्या करता है, जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है, बाकी नोट छापने का काम केंद्रीय बैंक करता है, साख का नियंत्रण करता है, और यह सरकार का बैंक है, ये आम जनता का बैंक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर केंद्रीय बैंक का नहीं है, कौन कार्य नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, जनता से जमा स्वीकार करना। 33 है, किस विधि से GDP की गणना की जा सकती है? तो GDP की जो गणना की जा सकती है वो है आपका मूल वृद्धि विधि, आय विधि और व्यय विधि, तीनों से होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 34 नंबर है, सबसे तरल मुद्रा की माप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे तरल मुद्रा की माप आपका M1 होता है। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR, तो CRR क्या होता है, तो जब CRR घटता है, तो 35 का हो जाएगा आपका ए। 36 है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये है आपका वस्तु एवं सेवा कर, ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। चालू खाते में कौन सी मद है? तो चालू खाते में आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब दृश्य मदों का आयात, पर्यटकों का खर्च और दृश्य मदों का निर्यात सभी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। राजकोषीय घाटा किसके समान है? तो राजकोषीय जो घाटा है वो आपका प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान के समान है, तो 38 का हो जाएगा बी। 39 है, MPS बराबर 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो यहाँ गुणक का जो मान होगा वो होता है MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर आपको MPS का मान दिया हुआ है, तो हमको MPC का मान निकालना पड़ेगा, और MPC का जो मान होता है वो होता है MPC बराबर होता है डेल्टा C बटा डेल्टा Y, ये होता है, तो हम लोग गुणक का फॉर्मूला हम देखते हैं 1/1 माइनस MPC होता है, या फिर गुणक को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस MPC बराबर जो होता है वो होता है 1/MPS। तो यहाँ पर आपको MPS 0.8 दिया हुआ है, तो गुणक हम लोग कहते हैं K को, तो K बराबर मतलब गुणक बराबर होगा 1/0.8। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 पड़ जाएगा, 4 × 8 5 × 10। अब 2 से 5 को भागा देंगे तो कितना आएगा, 2 × 4 0.025 10, तो 2.5 कौन ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन में है, तो 39 का आपका डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोग फलन सी बराबर ए प्लस बी वाई में प्रेरित उपभोग है, तो प्रेरित उपभोग जो होता है वो है आपका बी ऑप्शन, मतलब ये जो बी देख रहे हैं वो आपका प्रेरित उपभोग है, और ये जो ए है ये आपका स्वायत्त उपभोग कहलाएगा, तो यहाँ पर प्रेरित उपभोग के बारे में पूछ रहा है, इसलिए 40 का आपका हो जाएगा बी, मतलब स्मॉल बी ही आपका प्रेरित उपभोग है। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दुमका जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है, और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक ले आज्ञा दीजिए, बाय बाय।